गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइज कल हमारा जो गिफ्ट आया था आज उसको अनबॉक्स करेंगे। हम कल ही अनबॉक्स करने वाले थे लेकिन कल कमलेश जी की वाइफ का देहांत हो चुका था तो हम भी बहुत सदमे में आ गए। बहुत ही ज्यादा दुख हुआ हमारे को, तो हम ब्लॉग भी नहीं बना पाए कल। तो गाइज प्रकृति को, नियम को तो हम बदल भी नहीं सकते, जो भगवान ने लिख के भेजा है ना वो तो होता ही है, हम इसे चेंज नहीं कर सकते। लेकिन दुख इस बात का है कि अभी अभी उनकी शादी हुई थी और कमलेश जी के पिताजी भी थोड़े दिन पहले खत्म हुए थे, तो बेचारे उनकी पूरी फैमिली टूट गई होगी। सही में इतना दुख हुआ ना कि बता भी नहीं सकते। गाइज आपको भी बेसब्री से इंतजार होगा कि क्या है गिफ्ट में, क्या है, तो हम भी बेसब्री से इंतजार करने गिफ्ट खोलने के लिए। लेकिन पहले मस्तराम जी को बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है तो पहले खाना बनाऊंगी, दोनों खाना खाएंगे उसके बाद अनबॉक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स बने रहिए ब्लॉग में। गाइज अब तो सर्दियों जैसा मौसम आ गया ना तो कूलर में तो बहुत सर्दी लगती है, इसलिए पंखे को लगा दिया। पहले बहुत टाइम से बाहर लगा हुआ था लेकिन अगर आपको भी पंखा लगवाना है ना तो मेरे से संपर्क कर लेना, मैं जानता हूँ पंखा लगा। क्या बन रहा है खाने में? खाने में टेंट से की सब्जी और रोटी। बना दी कुछ तो अच्छा बना दिया यार, पनीर वनीर बना दीजिए आज तो। आप बोलो तो सही, सब आज दो। अच्छा, और इधर देखो गाइज मेरे गाने सुन रही है आज तो उनकी का। क्या बात है, और नाम भी किसका आया गाने में? मैं सुनती, मेरे को बहुत याद आती है पहले आप गाना गाते थे ना उसकी। सही बता, बहुत मस्त गाते थे आप। मस्त नहीं गाता था गाइस, मेरी फैमिली को सुनाओ आप। नहीं गाना आप सुनाओ मेरे को। गाइज आपको गाने में सुनाई दे रहा होगा एप्पल, इसका नाम पहले एप्पल था। एप्पल बहुत सारी कमेंट भी आती है कि मतलब एप्पल किसको बोलते थे भैया पहले, तो मेरे को ही बोलते थे। अंकिता को बोलते थे एप्पल में पहले, हमारी बात भी स्टार्ट नहीं हुई थी उससे पहले, मतलब ये एप्पल ही बोलते थे। जी जी जी, तो हमारी एप्पल बना रही है खाना। अभी भी मुझे बहुत सारे भाइयों की कमेंट आती है, बात करते हैं ना तो एप्पल भाभी बोलते हैं, कोई अंकिता बोलता है नहीं, इनके दोस्तों में से तो कोई नहीं बोलता दीदी। जी बिल्कुल, और कमेंट करते हैं कि मेरे गाने पे रील्स बनाओ, लेकिन प्लीज बहुत बढ़िया बढ़िया सिंगर है उन्हीं की गाने पर रील बनाने दो, उसको मेरे गाने के लिए मत बोलो। नहीं वापस मेरे को सिंगिंग में आना पड़ेगा फिर। मैं तो बोलती हूँ मेरी बहुत इच्छा होती है पर बनाने नहीं, मैं नहीं बनाने देता, मुझे मेरे गाने नहीं सही अच्छे लगते, आपको लगते हैं तो आप सुन लिया करो गाइस। गाइज हम खाना वाना खा लिए और अभी टाइम हो रहा है 1:28। गाइज हम जो हमारा गिफ्ट आया था अभी उसको अनबॉक्स कर लेते हैं, तो वीडियो में बने रहिए। तो गाइज फाइनली हमारा गिफ्ट हम खोल रहे हैं, अनबॉक्स कर रहे हैं और कल से इंतजार कर रही हूँ। जी जी, 50% कमेंट है सही किया था, मतलब भाई इसके अंदर क्या है, आर यू एक्साइटेड? अंकिता को तो, अंकिता तो बहुत खुश है, अंकिता को बेसब्री से इंतजार है कल से। कब से इंतजार कर रही है। ये लो गाइस हमारे आइए 3 लुगड़ी गिफ्ट में। वाओ, सब कमेंट कर रहे थे भाई दीदी आप पुरानी लुगड़ी ओढ़ती हो, पुरानी लुगड़ी ओढ़ती, तो नई लुगड़ी आ गई गाइस। ये देखो गिफ्ट में क्या है, मस्त है ना यार। हाँ इनका तो कपड़ा भी अलग ही है, मस्त है। क्या है ना गाइस, मैं तो ओढ़ती नहीं हूँ, गाँव जाती नहीं हूँ, इसलिए मुझे तो कुछ भी पता नहीं है कौन सी ओढ़नी चल रही है कौन सी नई चल रही है, लेकिन जो भैया ने भेजी है ना बहुत ही मस्त भेजी है सही में। 7 दिन में आके पहुंची है गाइस हमारे पास, 7 या 8 दिन में ये, क्योंकि हम बहुत दूर रहते हैं ना, ये आई थी हमारे टोंक से। कैसी लगी लुगड़ी, कैसी लगी? कैसी लगेगी, बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ज्यादा अच्छी। तो गाइज आप सोच रहे होंगे कि ये लुगड़ी कहाँ से आई है अंकिता के लिए, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरे घर से भी नहीं आई है और ना मैंने किसी दुकानदार से खरीदारी की है, ये मेरे दोस्त ने भेजी जिसका नाम है राजेश सैनी, जो टोंक का है और उनके खुद के मशीन है, वो मेरे साथ पढ़ता था पहले, तो उस वो बोल रहा था कि यार अंकिता दीदी ना लुगड़ी बहुत पुरानी ओढ़ती है तो उसके लिए नई लुगड़ी भेज रहा हूँ मैं। मगर ठीक है भाई, उनकी 2 मशीनें हैं, जो एक दीपक सैनी खातौली गेट पे उनियारा जिला टोंक रोड पर चलाता है, उसकी चैनल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप किसी भी भाई को ऐसी चुनड़ी, ऐसी लुगड़ी, कोई भी कलर की, कोई भी तरीके की अगर आपको चाहिए, तो जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा उसको आप ओपन करो और जाओ देखो, आपको हर प्रकार की लुगड़ी मिलेगी। और आपको एक और सबसे बढ़िया चीज़ ये है उसमें, घर बैठे ही आपको डिलीवरी मिल जाएगी, आप ऑनलाइन करो, आप उनसे व्हाट्सअप पर बात करो, व्हाट्सअप कॉल पर बात करो, आपको जो भी लुगड़ी पसंद है आप उनको एड्रेस दो, वो आपको जहाँ भी आपका घर है ना वहाँ पे पहुँचा देंगे। ऑनलाइन सिस्टम है पूरा का पूरा। सबसे बेस्ट बात तो यही है कि अपने को वहाँ पे जाना नहीं पड़ता, और जैसे मेरी जैसी बहन है कई चेन्नई रहती है, कोई कहाँ रहता है कोई कहाँ रहता है, तो घर पे बैठे बैठे भी शॉपिंग कर सकती है, ऐसी ओढ़नी ओढ़ सकती है। बिल्कुल गाइस मुझे तो सच में बहुत ही ज्यादा पसंद आई ये ओढ़नी, बहुत अच्छी है, बहुत मस्त है।
तो गाइज ओढ़नी वगैरह देख लिए। और भी बैंक से कॉल आया कि आपको वापस आना पड़ेगा बैंक में, क्योंकि फर्स्ट पेमेंट आता है ना तो कुछ वहाँ पे सिग्नेचर वगैरह कुछ लिखवाते हैं वो, तो वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो गाइज आप मतलब कल का वीडियो जरूर से जरूर देखना, हम सब बताएंगे कि कितना पेमेंट आया है, उस पैसे को हम किस यूज में लेंगे, क्योंकि फर्स्ट पेमेंट है ना। तो गाइज आप बने रहिए ब्लॉग में। थैंक यू राजेश भाई और थैंक यू दीपक भाई, आपने हमारे लिए जो ये तोहफा भेजा है, गिफ्ट भेजा है, हमेशा याद रहेगा। और मतलब इस चीज़ के लिए हम जितना शुक्रिया अदा करें उतना ही कम है। मैंने उनको बोला था कि आपका जितना भी पेमेंट बनता आप ले लो, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई हम बहुत काम करते हैं, हम पाँच छः साल से हमारे खुद घर की मशीन है, तो हमारे को इतना सा पेमेंट से हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो भी चीज़ पसंद है आप ले लो। तो उन्होंने ये चीज़ भेजी हमारे लिए, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं तो यही चाहता हूँ कि आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बना रहेगा तो बहुत मज़ा आएगा लाइफ में। और जिस भी भाई को ऑनलाइन चुंदड़ी या ऑनलाइन लुगड़ी जो भी चीज़ बोलते हैं इसको, ये मेणावाटी लुगड़ी, इसको अगर आपको मंगवाना है अपने घर बैठे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप लिंक को क्लिक करो, उसका यूट्यूब चैनल खुल जाएगा, उस पर आप पूरा देख सकते हो क्या क्या सामान उसके पास मिलता है, कैसा कैसा मिलता है, और उसके व्हाट्सअप नंबर भी है, तो आप उनसे कॉल पे और मैसेज पे बात कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद। गाइस हरदेव भी हमारे पास पहुंच चुका है स्क्रिप्ट लेके, बहुत सारी कागजों की, और लैपटॉप भी लेके आया जिसमें मैं एडिटिंग करना सीखूंगा, और मुझे खुद में कुछ मेरे चैनल का भी काम था तो वो भी मुझे करना है। गाइस कुछ भाइयों के कमेंट आ रहे थे स्क्रिप्ट किसे बोलते हैं, तो मैं उनको बता देता हूँ कि हम कोई वीडियो तैयार कर रहे हैं उसका डायलॉग लिख रहे हैं, क्योंकि ब्लॉग में तो हमें डायलॉग लिखने की जरूरत नहीं होती है ना, हम खुद ही कुछ भी पटपड़ा के कुछ भी कर देते हैं, और इसमें ना डायलॉग लिखने की जरूरत होती है कि कहाँ की लोकेशन पे वीडियो बनाना है, क्या करना है, तो ये सब 5-7 पेजों की है, इसके बाग भी बन जाएंगे बहुत सारे, तो बहुत ही जल्दी हम ये वीडियो लेके आएंगे, इसका चैनल भी अलग ही क्रिएट करेंगे, और आपको कुछ अलग मोटिवेशनल चीज़ें बताएंगे, कुछ सेट चीज़ें, कुछ कपल चीज़ें, कुछ लाइफ में क्या क्या हमारे साथ होता है वो सब चीज़ों का हम वीडियो बनाएंगे, कुछ ड्रामे होंगे, कुछ कॉमेडी होगी। तो आप हमें प्यार और सपोर्ट करना बिल्कुल भी मत भूलना, जितना प्यार मुझे ब्लॉग में दे रहे हो उतना प्यार उस चैनल को भी देना, ठीक है। गाइस जो अभी ये प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में, बहुत लोग आत्महत्या करके मरते हैं कैसे नहीं मरते, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ दिल से, मैंने पहले भी मेरी स्टोरी में एक ही चीज़ सिखाई आपको, और हर वीडियो में मैं एक ही चीज़ आपको बताता हूँ कि ज़िंदगी में मरना ही सोल्यूशन नहीं है, अगर आप जीते हो ना तो आप जी के कोई भी चीज़ को कुछ भी कर सकते हो, प्लीज़ आप मरो मत हो। मैं किसी मतलब मैं आप सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि मरना ही सब कुछ नहीं है, प्लीज़ आप मरना बंद कर दो और अपनी ज़िंदगी में तरक्की करो, कुछ अलग करो, कुछ अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन निकलेगा, बस आप जीते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। तो गाइज कमेंट करके बताओ कि ताकि जो नई लुगड़ी आई थी ये वाली है, एक तो कमेंट करके बताना कैसी लग रही है, कैसा कलर है, इतनी मस्त बेल है ना, इसमें बेल भी बहुत मस्त है और वजन भी नहीं लग रहा है मेरे को, बिल्कुल ही वजन नहीं है इसमें तो गाइज बहुत मस्त लग रही है हमारे को। तो अभी हम जा रहे हैं एक्सिस बैंक, मिलते हैं आपको एक्सिस बैंक में, चलेंगे ना। गाइज एक्सिस बैंक के बाहर आ चुके हैं और अभी फॉर्म भरना है, फॉर्म लेके आए थे, आपको एक मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा एडसेंस वाले भैया को, यूट्यूब वाले भैया के लिए, तो उनको सब चीज़ें समझा दूंगा कि कैसे पेमेंट आता है कैसे नहीं आता, जो मेरे प्रॉब्लम हुई आपके साथ नहीं हुई, इसलिए मैं आपका सबका सोल्यूशन कर दूंगा। तभी हम बैंक में जा रहे हैं और ये फॉर्म भरवा के और फिर आते हैं। A few minutes later. तो गाइज बैंक में जाके आ गए, अंकिता को धूप लग रही है क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है ना, तो हमारा काम हो गया, हमने फॉर्म भी भर दिया है और कल शाम तक आपका पेमेंट मिल जाएगा। तो गाइज कल हम जैसे पेमेंट आएगा हम वीडियो बनाएंगे इसके लिए, तो आप है ना वीडियो में बने रहना और कल की वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार देना, और जो भी हमारे को समस्या आई ना उसके लिए हम वीडियो बनाएंगे विशेषकर, ताकि ये समस्या जो मुझे मिली है वो किसी को भी ना मिले, तो आप प्यार और सपोर्ट करना। तो गाइज हम आ चुके हैं मिठाई वाले अंकल की दुकान पे, तो यहाँ से हम ले रहे हैं बर्फ़ी, क्योंकि आज अंकिता ने पहली बार बोला है कि बर्फ़ी खाना है, वरना चटपटे खाने की सोचती है हमेशा ये, और बोलती है चटपटे खाऊंगी, मैंने बोला कुछ खाना है कि हाँ आज तो मिठाई खाना है, वाह वाह वाह, आज लक्ष्मी जी पता नहीं कैसे आ गए मीठे पे, हमारे पैसा आ रहा है। हाँ हम सोच रहे हैं पैसा आ रहा है ना यूट्यूब से, तो हम मीठा मुँह कर लेते हैं। तो गाइज आप अपने अपने हिसाब से खा लेना मिठाई, हमारे पैसे आ रहे हैं उसकी खुशी में बोलेंगे सबकी पैसे पैसे तो भेजते हैं, मिठाई खाने के लिए बोलते हैं हमेशा। हाँ तो अंकिता अलग ही लग रही है ना नए नए कपड़ों में, क्यों भाई। तो गाइज हमने ले ली स्प्राइट छोटी वाली, love the chase and the hunt and I set the pace when I'm running, I always take what I'm... 2 hours later. गाइस ये एक पॉपट हो गया है, 4 बजे तक हम बैंक जाके आए थे उधर से घूम फिर के बाहर से, फिर जैसे आए मैं तो लैपटॉप में एडिट करने लग गया, और अंकिता बोलती है कि मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, तो भाई ऐसे सोए 5 बजे सो गई थी ये, फिर 5:30 बजे मैं भी जाके इसके पास सो गया, मैं ठीक है मैं सो जाता हूँ, मेरे को नींद आ रही है, एडिटिंग नहीं हुई मेरे से,
फिर मैं जाके सो गया। फिर जैसे एकदम से उठा अंकिता को, उठा ना मुँह उठा और देखा टाइम 19:50 मतलब सुबह हो गई, मैंने सोचा सुबह हो गई। फिर एकदम मैं चारों तरफ देखने लगा, मैं हाँ यार सुबह तो हो रही है थोड़ी थोड़ी, मतलब थोड़ा अंधेरा हो जाता है ना 7:45 तो अंधेरा हो जाता है बिल्कुल, लेकिन बाहर से दिख रहा था कि अभी उजाला हो रहा है। मैं एकदम से मैं कहा और क्या हो गया भाई, 7:50 हो रही है, मतलब 19:50 हो रही है, सुबह कैसे हो सकती है। फिर ये बोली नहीं अभी तो शाम ही है। फिर मेरा माइंड डाइवर्ट सही हुआ, फिर अभी हमने खाना बनाया है, मैं कहा ब्लॉग बनाएंगे, पर पता नहीं इतनी नींद कैसे आ गई यार, थक गए थे ना मैं तो बहुत ज्यादा, थक ये थक जाती है क्योंकि गुदड़ा उदड़ा बनाती, मैं तो कुछ करता ही नहीं फिर भी मैं कैसे इतना सो सकता हूँ यार। मैं भी बहुत ज्यादा सो गया, रात को बहुत लेट सोते हैं, 12-1 बज जाती है, तो फिर नींद कहाँ से पूरी होगी। आज के खाने में सब्जी रोटी और छाछ। अंकिता अपना यार नाम तो फटाफट सर्चिंग में आ जाता है ना, देख अंकिता सिर्फ मस्तराम लिखने की जरूरत है आ जाता है फटाफट। गाइस अंकिता ने सिर्फ अंकिता मस्त सर्च किया था और देखो हमारा ब्लॉग आ गया, मुझे पता क्या है। बात है अपने को अच्छे लगते हैं नहीं सबको पसंद आते हैं अपने ब्लॉग, सब बोलते हैं आपके ब्लॉग अच्छे हैं। ये देख लेते हैं कौन सा ब्लॉग पसंद आया है बोलो। देखो गाइस अंकिता मेरे को मार रही है, देखो तो अब एंड कर दे, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है ब्लॉग का, अब यहाँ पे एंड कर दे क्योंकि ब्लॉग अपना बहुत बड़ा हो जाएगा। तो गाइस आज का ब्लॉग का यही पे एंड कर रहे हैं, तो आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।